हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइफ स्टार। आई हमारी फ्रेंड, यू आर वाचिंग टेक्निकल लाइफ स्टार चैनल। दोस्तों, आजकल एक ऐप बहुत चल रहा है जिसका नाम है फोन पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोन पे कैसे यूज़ करना है। यदि आप फोन पे यूज़ करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फोन पे से आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप फोन पे ऐप की मदद से आप बिजली का बिल भर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी के बैंक में आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप वो भी अपने फ़ोन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, और आप गैस सिलेंडर भी इसी से बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को पूरा देखना यदि आपको सीखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन पे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको फ़ोन पे को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर आपको इंस्टॉल कर लेना है इसे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको प्रोसीड करना है। अब इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। ये बिल्कुल सेफ ऐप है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में आपको अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। यदि यहाँ पर आपका बैंक नहीं है तो ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो जैसे ही मैंने पंजाब लिखा तो यहाँ पर देखिए पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। अब इसके बाद में देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है वो इसी फ़ोन में होना चाहिए जिसमें आपका फ़ोन पे है, जिसमें आपने फ़ोन पे का अकाउंट बनाया है, और उस नंबर पर रिचार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि आपके नंबर से एक मैसेज जाएगा बैंक को, तो तब आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका जो बैंक है वो फ़ोन पे में ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके फ़ोन में यदि आपका वो नंबर नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, जिस नंबर से आपने फ़ोन पे बनाया है, तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन में उसे डाल लें। इसके बाद आप आगे का प्रोसेस करें। जिस मोबाइल नंबर से मैंने फ़ोन पे बनाया है वो मेरा बैंक अकाउंट से भी लिंक है और वो इसी फ़ोन में है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा होगा अकाउंट एडिड सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखिए ये मैंने पेटीएम का जो मेरा बैंक अकाउंट है वो ऐड किया है। और देखिए दोस्तों, आपके पास जो है ATM कार्ड होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, आपको अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन भी बनाना पड़ेगा। बैंक का पहले से ही UPI पिन बना रखा है तो कोई बात नहीं है। यदि आपने अपना UPI पिन नहीं बनाया है तो आपको अपने ATM नंबर के लास्ट के 6 नंबर डालने हैं, ठीक है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर डेट डालनी है जो आपके ATM कार्ड पर लिखी होगी, और इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है उस बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद में आपको 4 अंकों का या 6 अंकों का पिन बनाना होगा। तो जैसे ही आपका UPI पिन बन जाता है तो आप जब भी किसी को पैसे भेजते हैं या रिचार्ज करते हैं तभी आपको वही UPI पिन डालना होगा। तो मेरा जो है पहले से ही UPI पिन बना हुआ है, इसलिए मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले से ही लिखा है 4-digit भीम UPI ऑलरेडी एग्जिट्स फॉर दिस अकाउंट। यदि आपका भी ऐसे ही लिखा है तो आपको UPI पिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपना UPI पिन भूल गए हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मेरे जो है वो 2 बैंक अकाउंट ऐड हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि फ़ोन पे में क्या क्या फीचर्स हैं, आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अपने वैलेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये कहता है कि प्लीज़ सबमिट द फॉलोइंग डिटेल टू ऐड योर मनी टू योर वॉलेट। तो आपको यहाँ पर KYC करनी होगी। KYC आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड से KYC कर सकते हैं। यदि पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर चेंज पर क्लिक करना है, और जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं इनकी मदद से आप KYC कर सकते हैं। तो मैं जो है पैन कार्ड से KYC करूँगा, तो आपको यहाँ पर
पैन नंबर डालना है और पैन कार्ड पर जो नेम है वो डालना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में मेरी जो KYC है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत आसान है, आप आसानी से KYC कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप जितने चाहो उतने पैसे इसमें ऐड कर सकते हो अपने वॉलेट में। वॉलेट में जो है कैशबैक मिलते रहते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखें MPL है और यहाँ पर ड्रीम इलेवन है। यदि आप अपने वॉलेट से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके वॉलेट में आपको कैशबैक मिल जाएगा, ये फ़ायदा होता है वॉलेट का। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपको जो है अपने फ़ोन पे अकाउंट का एक पासवर्ड और सेट कर लेना है। इससे ये होगा जब भी आप अपने फ़ोन पे अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको केवल अपना पासवर्ड डालना है, OTP की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सेटअप पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। वी डालने के बाद में अब आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड जो बनाना है आपको 4 डिजिट का बनाना है। और देखिए दोस्तों, आप अपनी प्रोफाइल में जाकर आप अपना एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं। और इसके बाद में आप यदि अपने अकाउंट की डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एडिट डिटेल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। यदि आप ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो आपको ईमेल को डालकर आपको वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल पर एक लिंक आएगा, वहाँ से आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपका एक QR कोड भी होगा, तो मेरा जो है QR कोड वो ये है। आप अपने QR कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी मदद से आपको कोई भी पैसे भेज सकता है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। इस QR कोड को स्कैन करना होता है और यदि आप किसी को QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर आइकन होगा एक QR कोड का, यहाँ से आप कोई भी QR कोड स्कैन कर आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक QR कोड यहाँ पर स्कैन किया तो इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट डालनी है, आप कितना पेमेंट करना चाहते हैं। अमाउंट डालने के बाद में एक नीचे सेंड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो आपने UPI पिन बनाया है उस UPI पिन को डालना है, इसके बाद में आपकी पेमेंट हो जाएगी आसानी से। और यदि आपको अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिस भी आप बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको उस बैंक का UPI पिन डालना होगा और इसके बाद में जैसे ही आप UPI पिन डाल देंगे तो आपका जितना भी बैलेंस होगा वो दिखा देगा। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक टू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन की मदद से आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। जो भी फ़ोन पे यूज़ करता है वो उसे आप आसानी से उसके नंबर की मदद से आप उसे पैसे सेंड कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप किसी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे ही आप टू अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको उस बैंक अकाउंट को ऐड करना है जिसमें आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा ऐड रेसिपिएंट बैंक अकाउंट, इसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे बैंक आ जाएंगे, तो आपको उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो देखिए, मेरा एक फ्रेंड है और उसका एक बैंक अकाउंट है जो कि पंजाब नेशनल बैंक में है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक सिलेक्ट करना है और इसके बाद में मुझे अपने फ्रेंड का अकाउंट नंबर डालना है और इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम डालना है जिसके नाम से बैंक अकाउंट है। इसके बाद मैं ये फ़ोन नंबर और निकनेम ऑप्शनल है, इसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो सभी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको अमाउंट डालनी है, आप कितने पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब इसके बाद में अमाउंट डालने के बाद में आपको सिंपली सेंड पर क्लिक करना है नीचे, ठीक है। नीचे एक सेंड का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आपको UPI पिन डालना है और इसके बाद जो है आपके बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे बैंक अकाउंट में। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि आप कौन से बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक और ऑप्शन है टू सेल्फ, इसकी मदद से आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरे 2 बैंक अकाउंट ऐड हैं, एक है पेटीएम का और एक है पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक से इस अपने पेटीएम वाले बैंक में मनी ट्रांसफ़र करना है तो मुझे यहाँ पर पेटीएम वाले बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में मैं जितने भी यहाँ पर अमाउंट डालता हूँ वो मेरे पंजाब नेशनल बैंक से पेटीएम वाले बैंक अकाउंट में चली जाएगी। तो इस तरीके से आप खुद भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
अब इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप यहाँ पर गोल्ड भी खरीद सकते हैं और आप यहाँ पर कोरोना वायरस इंश्योरेंस भी करा सकते हैं और यहाँ पर आप वॉलेट भी चेक कर सकते हैं आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं। इसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वॉलेट को। और यदि आप सिलेंडर बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बुक सिलेंडर पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको अपना गैस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है, भारत गैस, HP गैस, इंडियन गैस, इंडियन ऑयल, जो भी है। जब आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्टर कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। यदि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर व्यू सैंपल बिल पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं और ये देख कर आप आसानी से यहाँ से सिलेंडर बुक कर सकते हैं और आप गेम भी खेल सकते हैं। अब इसके बाद में यदि आप यहाँ से फूड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफ़र हैं और रिवार्ड, आप ये सब चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखें दोस्तों, आप रिचार्ज करना चाहते हैं मोबाइल रिचार्ज, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है मोबाइल रिचार्ज पर। आप यहाँ से डिश रिचार्ज भी कर सकते हैं, बिजली का बिल भी भर सकते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अपने इस तरीके से आप फोन पे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।